मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ की जिला इकाई शिवपुरी संभाग ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुफ्त की जाए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की धारा 496 को समाप्त किया जाए, छत्तीसगढ़ में पुलिस पेंशनर को मिल रही सुविधाओं को समान किया जाए एवं एरियर भत्ता जो रुका हुआ है उसको दिया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ का कहना है कि राज्य शासन द्वारा यह अनदेखी की जा रही है, जिस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए और सारी सुविधाएं समान तरीके से दी जाए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये पुलिस पेंशन संघ शिवपुरी की मीटिंग ली गई है और इसमें मुख्य मांगें रखी गई हैं कि लगातार पेंशनर्स के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, इसलिए आज हम सब पत्र श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के लिए पत्र लिख रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन की जो धारा 46(6) है 49(6) सॉरी इसमें इसको ख़त्म किया जाए। दूसरे पेंशनर के लिए चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। तीसरे जो पेंशनर का अभी तक का वो एरियर भत्ता रुका हुआ है उसको दिया जाए, उसकी अनदेखी ना की जाए। पुलिस विभाग के जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री और स्टाफ है उसकी भी तमाम मांगें चल रही हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है शासन द्वारा, जिनको छत्तीसगढ़ के समान ही किया जाए। आपने जो पत्र लिखा है किसको लिखा है? हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा है, जिससे कि वे हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को सचेत करें कि वो पेंशनरों के ऊपर ध्यान दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।